लिसनर्स कुछ जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों की मदद करने के लिए चारपाई लेकर पहुंचे भारती को कल रात हिरासत में लिया गया है। भारती को कापासेड़ा पुलिस थाने ले जाया गया, जहां उन्हें कुछ घंटों के लिए रखा गया और बाद में छोड़ दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जानकारी देते हुए बताया प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के लिए सोमनाथ भारती बिना किसी अनुमति के कुछ फोल्डिंग लेकर आए थे। वहां मौजूद पुलिस ने उनको मना किया, मगर उसके समर्थकों और कुछ पहलवानों ने जबरदस्ती कर उन बिस्तरों को अंदर लाने की कोशिश की, जिसके कारण झड़प हुई। वहीं इस झड़प में कुछ लोगों को चोटें आई हैं, जिनमें से दो महिला कर्मी समेत पांच पुलिसकर्मी को भी चोटें आई। कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले में सोमनाथ भारती जी कुछ फोल्डिंग कॉर्ड्स या बेड्स जो है वह लेकर आए थे बिना किसी परमिशन के। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट की डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्होंने उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी, पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेसलर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को कॉर्ड्स को अंदर लाने की कोशिश करी, उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे पांच पुलिस पर्सनल जिसमें से दो महिला कर्मी थी उनको भी चोट आई है और ये कल का मामला ही है। रेसलर्स कुछ दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस सिलसिले में सोमनाथ भारती जी कुछ फोल्डिंग कॉट्स या बेड्स जो है वह लेकर आए थे बिना किसी परमिशन के। पुलिस की जो टीम मौजूद थी लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट की डिप्लॉयमेंट के लिए, उन्होंने उन्हें मना किया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं थी, पर क्योंकि वो नहीं माने और कुछ जो रेस्लर्स और उनके सपोर्टर्स हैं उन्होंने फोर्सिबली उन बेड्स को कॉर्ड्स को अंदर लाने की कोशिश करी, उसके चलते एक माइनर स्कफल हुआ, उसके कारण इंजरीज भी हुई हैं। हमारे पांच पुलिस पर्सनल जिसमें से दो महिला कर्मी थी उनको भी चोट आई है और ये कल का मामला ही है। इसलिए कुछ दिनों से प्रोटेक्ट दिल्ली से बड़ी जानकारी। बीती रात घटनाक्रम पर पूर्व सीएम हुड्डा का बयान, खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों से मिलने जाऊंगा जंतर मंतर, पहलवानों का जानूंगा हालचाल, पहलवानों को मिलना चाहिए न्याय। बड़ी जानकारी हम खबर आपको बता दें, बीती रात घटनाक्रम पर पूर्व सीएम हुड्डा का बयान, खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों से मिलने जाऊंगा जंतर मंतर, पहलवानों का जानूंगा हालचाल, पहलवानों को मिलना चाहिए न्याय। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों से मिलने जाऊंगा जंतर मंतर, पहलवानों का जानूंगा हालचाल, पहलवानों को मिलना चाहिए न्याय। बड़ी जानकारी अहम खबर, बीती रात घटनाक्रम पर पूर्व सीएम हुड्डा का बयान। देखिए जो कल हुआ वो निंदनीय है और मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूँ। पहलवान जो हमारे बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जिन्होंने देश का नाम दुनिया में किया है, उनके साथ ये व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधा भी हुआ जो किसी की चोट आई है, बल्कि उनको न्याय मिलना चाहिए, जो मांग लेके बैठे हैं उनका न्याय मिलना चाहिए। देश के राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे खिलाड़ी पहलवानों के साथ रात के समय भी धक्का मुक्की के बाद माहौल गर्मा गया। खाप पर संगठनों, किसान संगठनों, विभिन्न पार्टी के नेता और खेल प्रेमियों ने दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। इसके चलते राजधानी दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। पहलवानों को समर्थन देने आने वाले लोगों को दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है, उन्हें वापस भेजा जा रहा है। बता दें हरियाणा के बहादुरगढ़ से सटे राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर सुबह से ही करीब 100 पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई, थ्री लेयर बैरिकेडिंग की गई ताकि हरियाणा से दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों को समर्थन देने के लिए लोग न जा सके। अगर किसी गाड़ी में ज्यादा व्यक्ति सवार दिखाई देते हैं या फिर गाड़ियों में खिलाड़ी दिल्ली जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो उन्हें रोक कर पूछताछ की जा रही है।
क्या क्या हुआ? हाँ जी, नाकेबंदी हो रही, कुछ गाड़ियां वापसी कर दी जा रही हैं, वहां जाने नहीं दे रहे हैं, कुछ चेकिंग चल रही है, कुछ काले वाले उतारे जा रहे हैं जो यहाँ पे काले शीशे पे लगा रखे हैं, इसीलिए कुछ वापस सुबह 6 बजे। मौसम बरसात के होने से मौसम में बदलाव हुआ है और बल्लभगढ़ के अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। खांसी, जुकाम, अस्थमा, वायरल बुखार, तेज मरीज अस्पताल में अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। बेमौसम बरसात के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर बल्लभगढ़ के सिविल अस्पताल SMO TC गिडवाल ने बताया कि मौसम बदलाव होने के मरीजों की संख्या बढ़ी है। बेमौसम बरसात के पहले 20 से 30% मरीजों की संख्या थी और अब जो मौसम में बदलाव हुआ है, उन्होंने लोगों को अपील की है कि जिस तरीके से मौसम में बदलाव हो रहे हैं, बच्चे बुजुर्गों को अपने घर में ही रहे, जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। डॉक्टर, जिस तरह से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, अस्पताल में मरीजों की ओपीडी में संख्या कितनी बढ़ चुकी है? देखिए, ऐसा कि आपको मालूम है पिछले 2-3 दिन से बारिश का मौसम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इससे आगे बढ़ने की संभावना भी है। तो इससे पहले जो हमारे पास खांसी, जुकाम के मरीज हैं, दमा के, अस्थमा के मरीज आया करते थे, मेडिसिन है, ओपीडी में, उनकी संख्या पहले कम थी, लेकिन उसके इस मौसम के बदलाव के कारण संख्या इनकी काफ़ी बढ़ चुकी है। इतनी संख्या संख्या अगर पहले हमारे पास 20 से 30% के हिसाब से, तो अब 60-70 के हिसाब से बढ़ चुकी है, 60-70 के आसपास। तो कैसे बचाव करें इस मौसम में? भाई, इस मौसम में बचाव के लिए ऐसे जो मैंने बीमारियां आपको बताई हैं, खांसी है, जुकाम है, बुखार, दमा, अस्थमा या और भी बीमारियां अगर हैं, तो उसके लिए प्रॉपर रोकथाम यही है कि परहेज भी करें और साथ साथ ये कि प्रॉपर टाइम पे अपने चिकित्सक को दिखाएं। एमरजेंसी अगर आपको लगता है जरूरत पड़ती है, एमरजेंसी में भी आपके आके दिखा सकते हैं। और जो लोग जो दमा के हैं, सांस के हैं, तो उनको जो दवाइयाँ ऑलरेडी चल रही हैं, ठीक है ना, और सांस के पंप वगैरह चल रहे हैं, उसको बराबर वो लेते रहें। खबर फरीदाबाद से, जहां नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ। बाटा फ्लाईओवर पर गैस सिलेंडर से भरा ट्रक डिवाइडर्स को तोड़ते हुए दूसरी सड़क पर जा पलटा। बता दें कि हादसा ट्रक का अगला टायर फटने के चलते हुआ। वहीं हादसे के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने ड्राइवर और कंडक्टर को ट्रक से सकुशल बाहर निकाला। तो ये दूसरे रोड पर कहाँ से आ रही थी गाड़ी? दिल्ली से आ रही थी। कहाँ जा रही थी? फरीदाबाद। क्या भरा हुआ था इसमें? सिलेंडर है। सिलेंडर भरा हुआ था, तो ये दूसरी तरफ आकर पलट गया। कितने लोग थे उस समय गाड़ी? दो आदमी। फरीदाबाद पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसती जा रही है। बता दें कि फरीदाबाद पुलिस ने सूरज कुंड रोड स्थित अंखीर इलाके में नशा तस्करी कर अर्जित की संपत्ति को ढा दिया है। बताते हैं कि नशा तस्कर अमरनाथ जेल में है, लेकिन उसकी नशा तस्करी से बनाई गई संपत्ति पर पुलिस ने अपना पीला पंजा चलाकर ध्वस्त कर दिया है। ये हमारे DG साहब और CP साहब के सख्त दिशा निर्देश हैं कि फरीदाबाद के अंदर जो नशे का काम करते हैं, जिन्होंने अवैध रूप से प्रॉपर्टी बना रखी है नशा बेच के, उनकी प्रॉपर्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। और ये अमरनाथ का था, सारा एरिया उसका था, और आज इस प्रॉपर्टी को ध्वस्त किया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसती जा रही है। बता दें, फरीदाबाद पुलिस ने सूरजकुंड रोड स्थित अखीर इलाके में नशा तस्कर पर अर्जित की संपत्ति को ढा दिया है। बता दें कि नशा तस्कर अमरनाथ जेल में है, लेकिन उसकी नशा तस्करी से बनाई गई संपत्ति पर पुलिस ने अपना पीला पंजा चला कर ध्वस्त कर दिया है।
शेरडी रोड हमारा व्यापारी एकता संघ है जो पिछले दो साल से परेशान है। हमारी सड़क तोड़ के डाल दी है पिछले दो साल से, ना उसने कोई सुनवाई है ना कोई सुनने वाला है। नेताजी को मंत्री जी को सबको हमने बोल दिया, लेकिन हमें नहीं कोई टाइम मिलता है, नहीं ये बताया जाता है कि किस कारण से हमें परेशान किया जा रहा है। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। नेताओं की आपस में रंजिश है और वो हम व्यापारी भाइयों को परेशान कर रहे हैं। यार जो है गोपाल जो है कभी किसी नेता से या विधायक से या किसी अफसर से मिले इस वक्त को लेकर? सबको पता है भाई साहब, सारे नेता यहाँ से निकलते हैं, सारे मंत्री यहाँ से निकलते हैं। मेरा ये कहना है कि अरे व्यापारियों की सरकार है, व्यापारियों का ही नाश करते हैं इस सरकार में और इस पार्टी में। आज खेड़ी रोड का चार साल हो गए खोद के घेर रखा, व्यापारी इतना दुखी है, ना तो कोई खाक जाने के लिए कस्टमर जाने के लिए तैयार है, व्यापारी भी अपनी दुकान खोल के क्या कर रहे थे, कोई काम ही नहीं है। तो चार साल हो गए यहाँ के अधिकारी एक्शन एसडीओ जी झूठ बोलने का काम करते हैं सिर्फ, और कोई काम नहीं उनके पास। आप मवई रोड देखिए, आपने कई दफे देखा, हमने धरना दिया, प्रदर्शन दिया, खेड़ी रोड काम करा, क्या हुआ? ये व्यापारी हैं ये, और ये दुकान में अच्छे लगते हैं, ये सड़कों पे तो अच्छे लगते नहीं है व्यापारी, है ना? और ये तो किसी भी शहर का दुर्भाग्य है कि अगर उसके व्यापारी को दुकान छोड़कर सड़क पे आना पड़ रहा है। अब आप इस सड़क की हालत देखिए, यहाँ पर निकलना मुश्किल है। देखिए कैसे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो बुजुर्ग कैसे स्कूटी से बेचारे रिपटते गिरते कैसे निकल रहे हैं, तो बुरी हालत यहाँ पर है। तो उसी के आक्रोश में जो व्यापारी अपने भाई हैं वो सब आज दुकानें बंद करके यहाँ पर आए हुए हैं, अपनी दुकानदारी छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं। लंबे समय से खेड़ी रोड न बनने से नाराज दुकानदारों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। दुकानदारों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पैदल मार्च निकाला और इस सड़क को जल्द से जल्द बनवाने की मांग की। स्थानीय लोग और दुकानदार सड़कों पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने पैदल मार्च कर अपना विरोध जताया। लोगों के मुताबिक पिछले काफी समय से यह सड़क खुदी पड़ी है, जिसके चलते उन्हें तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के मुताबिक इस रोड को लेकर कई बार प्रतिनिधियों और अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके चलते लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और सड़कों पर उतर आए। तो इस सिलसिला पर अब हमारा यूनिवर्सिटी आईओ पहुंचा है हमारे हॉस्पिटल में, तो उसके पति ने तो बताया कि बीमार थी, सुबह से मृत्यु हुई है, लेकिन जब पूछताछ करने में पता चला कि इसकी शादी को अभी 7 साल से कम हुए, तो इसके परिवार वालों से संपर्क किया। परिवार वालों को बुलाने के बाद उन्हें बताया हमारी लड़की को ये देश के लिए तंग करता है। जुज्जर के गांव दुबलधन में एक विवाहिता दहेज की भेंट चढ़ गई। विवाहिता प्रियंका का शव उसी के कमरे में मृत का रुका हुआ निर्माण कार्य इन दिनों लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। सड़क को फोर लेन बनाने के लिए इसकी खुदाई की गई, लेकिन ठेकेदार को पेमेंट न होने से सड़क का निर्माण कार्य पिछले एक महीने से रुका हुआ है। सड़क खस्ताहाल होने से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि अधिकारी अब अगले हफ्ते से काम शुरू होने की बात कह रहे हैं। मोहना रोड निर्माणाधीन दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे लिंक रोड को एजीपी एक्सप्रेस को जोड़ने का काम करते हैं। भैया काम तो इसका कम से कम ना तो हो गए, इसको 4-5 महीने हो गए, टूटा हुआ है, गड्ढे हुए पड़े, कोई ट्रक पलट जाए या कोई टेम्पू पलट जाए, कोई इनका कौन जुर्माना हाजिर देगा बताओ। इतना गड्ढे होते हैं कि पूछो मत ना, सवारी आती है, आईएमटी में आती है, लेडीज आती है, जेंट्स आते हैं,
तो मान टेम्पू पड़ जाए, ट्रक पड़ जाए, कौन उसका जुर्माना कौन देगा बताओ? पब्लिक बहुत ज्यादा परेशान है, एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं, इस पर कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। कारण क्या मानते हो जो रोड का काम रुका हुआ है? इसे खुदाई करके चलेंगे, उसके बाद में तो ठेकेदार बनाएगा ना इसको, या प्रशासन करेगा कार्यवाही? हम और आप जैसे आम लोग परेशान हैं, इसे बहुत ज्यादा परेशान। भैया कम से कम 2 से 2.5 महीना हो गया इसको, काम चल रहा है 3 महीने से, 2 महीने पहले खोद कर डाल दिया इन्होंने, या पहले ये सीवर बनाई थी, लाइन बनाई थी ना, तो हमारा काम, मेरा टायरों का काम, मेरा टायरों का काम भी बंद पड़ा 2 महीने से, जूस के काम है, जूस का भी ऐसा ही ठप है, सारे काम धंधे सब ठप हो चुके हैं इस रोड के, ऐसे कुछ काम नहीं है, सुबह से शाम तक खाली बैठ के चले जाते हैं, ऐसी धूल मिट्टी बस। अब ये बारिश की वजह से पानी नहीं, पानी भी दिन में कम से कम मेरे हिसाब से एक बार डलता होगा, डालते हैं तो बस ऐसा ही है। लगातार हो रही बारिश से मई के महीने में सर्दियों का कोहरा देखने को मिल रहा है। बेमौसम बरसात को लेकर लोगों ने कहा है कि 62 साल की उम्र हो गई है उनकी, लेकिन कभी मौसम का इतना बदला हुआ नजारा नहीं देखा है। सुबह सवेरे मॉर्निंग वॉक के लिए निकले मित्रपाल ने बताया कि उनकी उम्र करीब 62 वर्ष है, लेकिन अपने जीवन में उन्होंने इस तरीके का मौसम कभी नहीं देखा है। तो वहीं घूमने आई महिला ने बताया कि रात को सोते समय रजाई और कंबल का सहारा लेना पड़ रहा है। हम घूमने के लिए जा रहे हैं मैदान। अच्छा, धुंध इतनी ज्यादा है तो कितनी परेशानी के सामने? बहुत परेशानी सामने, गड्ढे का भी पता नहीं, पानी भर रहा है उसका भी पता नहीं पड़ता है। कितनी धुंध है? बहुत धुंध है, बहुत। ऐसी धुंध किन दिनों में होती है अक्सर? ये सर्दियों में होती है। तो अब ये मई के महीने में इस तरह का दृश्य, आपकी उम्र कितनी हो गई? परमात्मा की कृपा, मेरी उम्र 62 साल की है। आपने कभी ऐसा देखा है कि मई के महीने में? एक बार देखा हूँ कि जो धुंध इतनी पड़ी है, पहली बार देख रहा हूं मैं। खबर न्यूज से, जहां क्षेत्र में बिना लाइसेंस के चले ईट भट्टों पर मुख्यमंत्री उड़न दस्ता द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी में भट्टा पर संचालक किसी भी प्रकार के लाइसेंस और अनुमति संबंधित कागजात नहीं दिखा पाए, जिसको लेकर भट्टा चलाने वाले संचालक के विरुद्ध थाने में शिकायत देकर मामला भी दर्ज कराया गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की इस कार्रवाई से भट्टा संचालकों में हड़कंप मच गया। इससे पहले भी इंदाना के एक अन्य भट्टा संचालक के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर इंदाना स्थित चार भाई ईंट भट्टा कंपनी के ऊपर जब संबंधित विभाग के साथ जो रेड की गई, तो उनके पास कोई वैध डॉक्यूमेंट वो पेश नहीं कर पाए, जिसके आधार पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए थाना बिछोर में माइनिंग विभाग के द्वारा। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर ने भिवानी शहर की सीवरेज और पेयजल की समस्या को लेकर पब्लिक हेल्थ के कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष बैठक की। इस विशेष बैठक में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने शहर में सीवरेज सिस्टम और पेयजल वितरण प्रणाली पर गहन चिंतन की है, ताकि शहर को सीवरेज या ओवरफ्लो और डैमेज की समस्या से निजात दिलाई जा सके, शहर में लोगों के घरों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके। शहर की समस्या को लेकर पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों के साथ यह बैठक करीब 3 घंटे चली, जिसमें सांसद ने अधिकारियों को निर्देश दिए समय रहते इस सीवरेज और पेयजल सिस्टम पर युद्ध स्तर पर कार्य किए जाएंगे। देखिए, शहर पहले की तुलना में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कभी इसको हम 3 तरह से देखें। एक, कभी 71-72 में यहाँ पर सीवरेज सिस्टम बना तब शहर की आबादी का, और उसके बाद 95 में जब बाढ़ आई तो सीवरेज सारे के सारे नीचे बैठ गए, तभी कुछ उसमें सुधार किया था, लेकिन जहां तक सीवरेज का मामला है, आज इस बात पर ही गहराई से चर्चा हुई है कि कुछ पोर्शन जो मेन लाइन है सर्कुलर रोड के,
वो सीवरेज हम एक लंबे समय तक अगर बचना है शहर को बचाना है तो वो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए योजना बनाई जाएंगे। दूसरा, अब क्योंकि सर्कुलर रोड पर नेशनल हाईवे का काम चला हुआ है, कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर ओपन चैनल या सीवरेज हैं, 500 मीटर के आसपास ऐसा भी टुकड़ा हमें मिला जहां उसको हमने पहले बनाना पड़ेगा, ताकि बारिश के दिनों से पहले जब सड़क बन जाएगी तो हम उसको तो नहीं पाएंगे। खासकर ये रोहतक गेट से आगे और बावड़ी गेट के आसपास का ऐसा इलाका था जहां पर हमें उसको बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जहां जहां पर भी सीवरेज के या स्ट्रोम वाटर चैनल के क्षेत्र के लाठवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक मेवा सिंह और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि लाठवा क्षेत्र में 1,10,00,000 की लागत से बनने वाली 4 किलोमीटर सड़क के बिना बनी ही उसका भुगतान लेना भ्रष्टाचार से कम नहीं है। साथ ही मेवा सिंह ने कहा है कि धरातल पर सड़क पूरी हुए बिना ही कागजों में सरकार द्वारा सड़क का भुगतान करना 10 सड़क पर सवाल निशान खड़े कर रहे हैं। साथ ही सड़क घोटाले को उजागर करते हुए मेवा सिंह और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने आरोप लगाया है कि एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति का बखान कर रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क निर्माण के निम्न स्तर की घटिया सामग्री प्रयोग करके सड़क बनाने में लीपापोती करके आधी अधूरी छोड़ दिया जा रहा है। पूरा इलाका परेशान है, सड़क पूरी पड़ी है, दोनों अधिकारियों के खिलाफ पर्चा दर्ज करें और कार्रवाई करें। और आज इस पर मुख्यमंत्री बैन, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार बोले भ्रष्टाचार कर्मी फर्क नहीं पड़ता, भ्रष्टाचार सरकार की कर्मी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क है। भ्रष्टाचार खत्म नहीं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये सड़क ये भ्रष्टाचारी डकैती है, मैं इसको भ्रष्टाचार इसको डकैती कहूंगा। और इसमें हो सकता है सरकार के आदमी मिले हो, नहीं तो डिपार्टमेंट के आदमी तो आई है, बगैर डिपार्टमेंट के MB भरे हों, बगैर बिल पास किन अधिकारियों ने करे हैं, सड़क चेक करने के बाद पेमेंट करी है, कौन अधिकारी इसके जिम्मेदार है। अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए और जल्दी से जल्दी 15 दिन के अंदर ये सड़क भी कम्प्लीट करे ताकि इलाके के लोग परेशान न हों। कुरुक्षेत्र के गांव करा साहिब में सीएम मनोहर लाल ने जनसंवाद किया। सीएम मनोहर लाल 3 दिन के कुरुक्षेत्र दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने धर्मनगरी के कई गांवों का दौरा कर जनसंवाद किया। बुधवार को सीएम के दौरे का तीसरा और आखिरी दिन रहा। सीएम ने कहा है कि इस दौरान मिली समस्याओं का 1 महीने में निस्तारण किया जाएगा। साथ ही SYL मामले पर सीएम ने कहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि करहा साहब अंतिम छोर का गांव है, वहां 200 परिवारों पर अदालत के आदेश में मकान खाली करने की तलवार लटक गई थी, लेकिन इन्हें जगह देकर इनका पुनर्वास किया गया। अंबाला में लड़ाई झगड़े की सूचना पर पुलिस न्यायालय अनाज मंडी पहुंची। इस दौरान डायल एक्सोबारा की टीम पर हमलावरों ने ईंट पत्थर से वार करते हुए गाड़ी का आगे पीछे के शीशे तोड़ दिया। हमले में 3 पुलिस कर्मचारी को चोटें आई है। वहीं नकल थाना पुलिस ने 6 लोगों को नामजद करते हुए सरकारी काम में बाधा पहुंचने सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया। मामले पर जानकारी देते हुए SP अंबाला ने बताया कि डायल एक्सोबारा को सूचना मिली थी और न्योला अनाज मंडी में 2 पक्षों के बीच में आपस में झगड़ा हुआ। नगदल थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव ननियोला के अंदर 112 के ऊपर एक कॉल आई थी कि कुछ पक्षों का आपस में झगड़ा हो रहा है।
जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमारी ईआरवी की टीम, लोकल ईआरवी की टीम वहां पे पहुंची। जब वो ईआरवी की टीम वहां पे पहुंची तो उनमें से एक पक्ष ने हमारे जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर ही अटैक कर लिया। कुरुक्षेत्र पुलिस के एंटी नार्कोटिक सेल की टीम ने नशीला पदार्थ रखने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसके कब्जे से 6 किलो 750 ग्राम चूरापोस्ट बरामद की है। मामले पर जानकारी देते हुए एंटी नार्कोटिक सेल प्रभारी निरीक्षक मनदीप सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने गुप्त सूचना मिलने पर मामले पर कार्रवाई की थी। सूचना के अनुसार आरोप पर नाकाबंदी आरोपी को काबू किया गया। फिलहाल नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और मामले पर आगामी जांच जारी है। एएनसी की टीम को एक सूचना मिली थी कि लाभ सिंह स्नो भूपेंद्रपाल आरो लालडू ये अपने ट्रक में चूरा पोस्ट लेकर आता है और आज भी ये चूरा पोस्ट लेकर आ रहा है। तो इसी सूचना के आधार पर हमारी एएनसी की टीम ने कैथल टुपेवा रोड पर गुंतलागढ़ के पास नाकाबंदी की और इसको रुकवाया। मौका पर गश्तीद अफसर साहिबान को बुलाया गया जो इसकी दौरान तलाशी इसके कब्जा से 6 किलो 750 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस रजिस्टर थाना सदर पेवा में करवाया गया।